नागिन सीजन 6 में हो गई है विशाखा यानी अनीता हसनंदानी की वापसी, जहां पर कॉलेज टीवी पर एक बिल्कुल नया धमाकेदार प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है, जहां पर विशाखा को हम निगेटिव रोल में देखने वाले हैं, ये कन्फर्म भी कर दिया है प्रोमो ने। तो इस प्रोमो में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कलर्स टीवी पर नागिन 6 का बिल्कुल धमाकेदार प्रोमो 21 एंड 22 जनवरी का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। उस प्रोमो में हमें विशाखा की वापसी का प्रोमो दिखाया गया है। उस प्रोमो की शुरुआत में हमको देखने को मिलती है जो प्रार्थना है यानी महाशेष नागिन प्रार्थना, वो पूजा करती है नौ मनियों की शक्ति को और भी ज्यादा करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलती है जो विशाखा की एंट्री होती है और वो नौ मनियां हासिल करना चाहती है। तो प्रोमो में ये कन्फर्म कर दिया गया है विशाखा इस सीजन में निगेटिव रोल में ही नजर आने वाली है, जहां पर उनके न्यू लुक के साथ इस प्रोमो को रिलीज किया गया है, जहां पर पहले तो उनको जो लास्ट सीजन का जो लुक्स है उनको ही प्रोमो में दिखाया गया था, लेकिन इस प्रोमो में उनका जो न्यू लुक है उसका भी छोटा सा झलक दिखाया गया है, जहां पर वो हमें लाल कलर की जोड़े में नजर आ रही है, जहां पर उनकी जो कॉस्ट्यूम्स है पूरी लाल कलर की है और उनकी जो ज्वेलरीज है वो भी लाल कलर की ही दिखाई दे रही है, जो उन लुक में बहुत ही ज्यादा बहुत सुंदर भी लग रही है। तो अब विशाखा की न्यू एंट्री को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है नागिन 6 में, जहां पर उनको हम नेगेटिव रोल में देखने को मिलेगा, जहां पर हमने नागिन सीजन 3 में उनको लास्ट एपिसोड में हमें उनको नेगेटिव रोल में देखने को मिला था और नागिन 4 में तो हमने उनको फुल्ली नेगेटिव रोल में ही देखा है। लेकिन नागिन सीजन 6 का जो बसंत पंचमी वाला स्पेशल एपिसोड था, जहां पर हमने उनको पॉजिटिव रोल में देखा था, लेकिन उस एपिसोड से नागिन 6 का कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमको इस सीजन में हम नेगेटिव रोल में ही देखेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है नागिन 6 का अपकमिंग एपिसोड, जहां पर आज बीआरसी के टीआरपी भी निकल कर आने वाला है। तो नागिन 6 का टीआरपी क्या निकल कर आ सकता है, इस हफ्ते आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और विशाखा यानी आपके फेवरेट अनीता हसनंदानी को नागिन 6 में देखने के लिए इस सैटरडे और संडे आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।